Hi everybody, today we are going to discuss about the pregnancy and signs for confirmation of the pregnancy. हमने इससे पहली वीडियो में अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसके आपका साइंस को डिफाइन किया था, प्रेगनेंसी की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, यानी कि प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, यानी कि जब एक ओवम जो है वो आपका स्पर्म से फर्टिलाइज होकर आपका गर्भ में आकर ठहर जाता है तो उस स्टेज को हम जो है आपका क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ओवम का स्पर्म के साथ मिलना यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाना प्रेगनेंसी कहलाता है। इसके हमने तीन तरह के साइंस जो है उसमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं प्रिजम्प्टिव साइन, एक होते हैं आपका प्रोबेबल साइन और एक पॉजिटिव साइन। इससे पहली वीडियो में हम ये दोनों साइंस यानी कि प्रोबेबल साइन और आपका प्रिजम्प्टिव साइन डिफाइन कर चुके हैं और अब आपका लास्ट में आता है पॉजिटिव या कंफर्मेटरी साइन, यानी कि वो साइन जिसमें आप कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई शक नहीं रहता है कि अब जो है वो आपका लेडी प्रेग्नेंट है पूरी तरह से और कोर्ट में उसकी वैल्यू होती है। कोर्ट इन्हीं साइन को मानता है, इन्हीं साइन को प्रेगनेंसी मानता है कोर्ट और उसकी वैल्यू उसके अंदर पूरी बराबर होती है। नंबर थ्री पर आता है पॉजिटिव या कंक्लूसिव साइंस, यानी यकीनी अलामत, अब कोई शक नहीं रहा है और कोर्ट भी इन्हीं साइंस को जो है वो आपका मानती है प्रेगनेंसी के। और ये जो है साइंस जो है कब दिखाई देते हैं, ये लास्ट हाफ पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी आधी से ज्यादा हो चुके थे तो उस वक्त जो है ये साइन कंफर्म हो जाते हैं कि अब कंप्लीटली यानी कि प्योरली यानी कि पॉजिटिवली प्रेगनेंसी है। तो इसमें नंबर एक कौन कौन से साइंस है, देखिए नंबर ए पर आता है आपका फीटल मूवमेंट्स, फीटल मूवमेंट्स आफ्टर फोर्थ या फिफ्थ मंथ में, या तो चौथे महीने के लास्ट में या पांचवें महीने में जो है आपका फेल्ट बाय प्लेसिंग हैंड ऑन एब्डोमन, जब फीटस के ऊपर यहां पर एब्डोमन पर हम हाथ रखते हैं तो उसके अंदर एक हरकत पैदा होती है तो बच्चा जो है वो इधर से उधर सरक जाता है फ्लूड की वजह से, क्योंकि वो फ्लूड के अंदर मौजूद है तो जब हम हाथ रख के दबाएंगे उसको हल्का सा तो फिसल के इधर से इधर और इधर से इधर आ सकता है। तो वो फीटल मूवमेंट जो है आपका कब, फोर्थ या फिफ्थ मंथ में जो है आपका फीमेल के अंदर दिखाई देती है, जो कि कंफर्मेटरी साइन होता है प्रेगनेंसी का। फीटल हार्ट साउंड, देखिए ये डेफिनेट साइन होता है प्रेगनेंसी का, डेफिनेट साइन होता है प्रेगनेंसी का और ये फर्स्ट टाइम कब सुनाई देता है, यानी कि 18वें से 20वें हफ्ते के दरमियान ये आपको सुनाई देगा। स्टेथोस्कोप से जब आप सुनने का कोशिश करेंगे तो उससे आपको घड़ी की सुई की टिक टिक की तरह से, जैसे घड़ी टिक टिक करती है उसकी आवाज आती है, जो तकिए के नीचे रखी हो तो इस तरह की आवाज जो है वो आपका दबी हुई आवाज जो है वो टिक टिक की आवाज आती है। तो ये कब आती है, 18 से 20वें हफ्ते के दरमियान। हार्ट रेट जो है आपका, देखिए पांचवें हफ्ते के दौरान हार्ट रेट जो होता है वो आपका 160 बीट पर मिनट होता है, 160 बीट पर मिनट, लेकिन यानी कि 9वें हफ्ते में एट नाइन्थ मंथ जो है आपका 120 बीट पर मिनट जो है सुनाई देती है। बीट नोट सिंक्रोनस विद मदर, यानी कि जो बीट हार्ट बीट आ रही है बच्चे की वो मां की पल्स से बराबरी नहीं होती है, यानी कि उसके साथ साथ नहीं धड़कती है, वो बीट अलग सुनाई देगी और पल्स आपको अलग सुनाई देगी, यानी कि ये बीट नोट सिंक्रोनस विद मदर, मां की पल्स के साथ जो है ये इसका कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, फीटल हार्ट साउंड नोट हियर्ड इन फॉलोइंग कंडीशन, फीटल हार्ट साउंड कब सुनाई नहीं देती है, कौन से वो हालात हैं जो फीटल हार्ट सुनाई ना दे, जैसे नंबर एक व्हेन फीटस इज डेड, या तो फीटस जो है वो आपका मृत हो, यानी कि डेथ हो चुकी हो उसकी, फीटस यानी कि डेड हो। नंबर टू, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ एमिनेटिक फ्लूड, यानी कि जिस फ्लूड के अंदर बच्चा पड़ा हुआ है, फीटस पड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो उसकी वजह से उसकी साउंड जो है वो बाहर तक नहीं आ पाती है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है जो हार्ट साउंड ना सुनाई दे। नंबर थर्ड, एब्डोमिनल वॉल इज वेरी फैटी, यानी कि फीमेल की जो एब्डोमिन पर वॉल है वो उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा हो तो जो साउंड है वो बाहर तक ना पहुंच पा रही हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा मुमकिन हो सकता है। व्हेन एग्जामिनेशन मेड बिफोर 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर आप 18 हफ्ते से पहले उस साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे तो वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, तो इन कंडीशंस में आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देती है। नंबर थर्ड, एक्सरे डायग्नोसिस, देखिए एक्सरे के जरिए हम जब एक्सरे कराते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का तो उसके जरिए भी हम
कंफर्म कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपका डॉटेड डॉटेड लाइन इस तरह से, ये आपका डॉटेड लाइन जो है एक्सरे के अंदर आ रही है, ये इस तरह की डॉटेड लाइन जो है एक्सरे के अंदर आ रही है, तो ये मींस जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है। और अगर एक्सरे के अंदर इस तरह से कर्व्ड कर्व लाइन दिखाई दे रही है, तो इट मींस जो है वो आपका रिब्स है। कर्व्ड लाइंस जो है वो एक पैरेलल लाइंस होती है एक दूसरे के ऊपर, तो वो इस तरह से अरेंज होती है, तो इट मींस वो रिब्स है। और अगर जो है आपका हाथों और पैरों का उसमें आता है, तो वो इस तरह से डॉटेड, ये इस तरह से लाइंस जो है वो आपका दिखाई देती है, तो इट मींस जो है वो लिम्स है, हाथ और पैरों की बोन्स जो है उसके अंदर दिखाई देती है। तो एक्सरे के अंदर हम जो है इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसजी अल्ट्रासाउंड करा के भी कंफर्म किया जा सकता है, और इसके अलावा डीएनए टेस्ट करा के भी कंफर्म किया जा सकता है। हालांकि डीएनए टेस्ट जो है वो आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत महंगा टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में फिफ्थ वीक में जब हम इस टेस्ट को कराते हैं, तो फीटस के जो सेल्स होती हैं वो मां के ब्लड के अंदर जो है वो आपका दिखाई देती है, तो इस तरह से हम डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये थे आपके पॉजिटिव या कंक्लूजिव साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। यहां पर आपका ये प्रेगनेंसी का चैप्टर पूरा होता है। और मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए प्रेगनेंसी की यानी कि मेडिकल लीगल इंपोर्टेंस क्या है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पर्पज से और एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है, यानी कि मेडिको लीगल इंपोर्टेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, जिनकी कोर्ट में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, प्रेगनेंसी एंड पॉजिटिव साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें से कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।